नमस्कार। राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे वार्ता करेंगे। राहु और केतु की जो गोचरी स्थिति है वह वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए 18 माह कैसा जाएगा, 18 माह में कहां कहां से मुक्ति मिलेगी, कहां से मिलेगी परेशानी। तो यार, 18 माह आपके जीवन का स्वर्णिम अवसर होगा क्या? क्योंकि 2024 में भाई शशि योग भी बनना है, 2024 में आपके व्यापार को भी गति प्राप्त करना है। और जब आपका समय अनुकूल आता है ना, तो हर परिस्थितियां प्रकृति के प्रत्येक तत्व आपकी सहायता करते हैं, अगर आपको बनना है तो। और जब आपको बिगड़ना होता है तो आपके अपने ही लोग आपको बिगाड़ने पे आते हैं, अपने ही पंच तत्व खराब हो जाते हैं। तो चूंकि 2024 में शनि शशि योग क्रिएट करेंगे, गुरु आपके त्रिकोण के स्वामी योग के केंद्र में जाएंगे, व्यापार के घर में जाएंगे, तो ये दोनों ग्रह बोल रहे हैं कि शशि योग भी बनाएंगे, व्यापार में देंगे गति। तो इनके सहायक कौन है भाई? ये बड़े ग्रह हैं, खुद काम नहीं करते, सहायकों को ढूंढते हैं। तो क्या कामनाओं के पूर्ति के घर में 18 माह के लिए चलने वाले केतु महाराज आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। लाभ के घर में हैं, लाभ में आ रहे अवरोधों को दूर करेंगे। आपके विद्या बुद्धि के घर में, भविष्य के घर में राहु महाराज की जो गोचरी स्थिति है, क्या आपकी बुद्धि को इतनी पैनी कर देगी कि समस्त परेशानियों से आप ऊपर निकल जाएंगे? लाइफ का जो संघर्ष है, अपनी विद्या बुद्धि के द्वारा उस संघर्ष की समाप्ति कर पाएंगे? 18 माह में राहु और केतु क्या परिणाम देंगे, आज चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देखें नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो देखोगे डेफिनेटली पसंद आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो लाइक करना वरना डिसलाइक कर देना, ठीक है महाराज। केतु, केतु क्या शुद्धतम स्वरूप है? केतु हमारे आत्मा के ऊपर पड़े हुए आवरण को काटने वाले हैं। पंचम भाव में राहु महाराज जो गोचर कर रहे हैं, पंचम विद्या बुद्धि का इष्ट के चरणों का है, और इष्ट या विद्या, विद्या ही आपका ज्ञान ही आपको मुक्त कर सकता है। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए ज्ञान ही मुक्त कर सकता है। राहु कलयुग के सबसे प्रभावी ग्रह हैं, सबसे प्रभावी देवता हैं। आप कह लीजिए, राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे फिर उसको कौन तारे। राहु के आगे किसी की चलती नहीं। आप हमें, हम आपको सुना रहे हैं राहु की वजह से, आप हमें सुन रहे हैं राहु की वजह से। मोबाइल क्या है? राहु है। इंटरनेट क्या है? राहु है। आकाश में घूमने वाली चीज़ें क्या है भाई? राहु है। सेटेलाइट क्या है? राहु है। सब कुछ तो राहु है। इसलिए राहु महाराज आपके पंचम भाव में जो गोचर कर रहे हैं, कितना शुभ फलदायी देंगे। तो याद रखिएगा, राहु महाराज गुरु का फल लेके चलेंगे, राहु महाराज बुध का फल लेके चलेंगे, राहु महाराज शनि का फल लेके चलेंगे, और अपने तीन नक्षत्रों की शक्ति लेके चलेंगे। आर्द्रा का फल लेंगे, सत्विशा का फल लेंगे, स्वाति का फल लेके आपको प्रभाव देंगे 18 माह। वहीं केतु महाराज आपकी कुजवत है, मंगल की तरह है, मतलब सेनापति, आपके लगन का जो लाड है उसके अनुसार फल देंगे। लाभ के घर में समस्त परेशानियों को दूर करने वाले हैं, अवरोध आय के क्षेत्र में आ रहे अवरोध को डिस्कनेक्ट करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग क्या हो रही है? स्टार्टिंग मज़ेदार ये हो रही है कि दोनों बुध के प्रभाव में चल रहे हैं, राहु भी बुध के प्रभाव में और केतु भी बुध के प्रभाव में, दोनों बुध के प्रभाव में चल रहे हैं स्टार्टिंग में। भाई केतु महाराज कन्या राशि में चल रहे हैं, ठीक है ना, और राहु महाराज रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग क्या होगा? बुध का प्रभाव होगा। बुध क्या है? बुध आपकी कामनाओं की पूर्ति के स्वामी। अब आपके कुंडली में बुध का रोल सर्वाधिक हो गया। अगर आपके बुध की अंतर दशा फंस गई, बुध की महादशा फंस गई, बल्ले बल्ले भाई, गुप्त रूप से बहुत पैसे कमाओगे। राहु जब देने पे आता है ना तो करोड़ों करोड़ देता है, और लेने पे आता है तो कौड़ी कौड़ी ले लेता है। तो चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट आपको आगे बढ़ाते हैं। पहले किससे स्टार्ट करें, केतु से या राहु से? चलिए केतु से। केतु शुद्धतम स्वरूप है। तो केतु आपकी कुंडली में लाभ के घर में बैठे हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। आय के क्षेत्र में जो बाधा आ रही थी, जो रुकावट आ रही थी, उस रुकावट को केतु बोलेंगे भाई बस अब बहुत हो गया। चित्रा नक्षत्र से स्टार्ट कर रहे हैं। चित्रा आपके मंगल का नक्षत्र है, लगन के राशि के लाड का नक्षत्र है, इसलिए चित्रा में बैलेंस करते हुए जाएंगे। बड़े भाई से बैलेंस करेंगे, पिता से बैलेंस करेंगे, सरकारी धन से बैलेंस करेंगे, पैसा देंगे। इसके बाद हस्त नक्षत्र में आएंगे। हस्त नक्षत्र आपके भाग्य का नक्षत्र है, वहाँ पर भाग्योदय कराएंगे, भाग्य के मार्ग में आ रहे अवरोधों को खत्म कर देंगे। माता का आशीर्वाद लेके रखिएगा, माता से अगर बिगाड़ेंगे तो हस्त नक्षत्र में मिलने वाली चीज़ें बिगड़ जाएंगी, याद रखिएगा।
देखिए ऊपर के ग्रहों को ठीक करें या ना ठीक करें, धरती पर रहने वाले ग्रहों को ठीक करें। अगर उनको आपने ठीक कर लिया फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ऊपर के ग्रहों के चक्कर में नीचे ग्रहों को नाराज मत करना। इसके बाद सूर्य नारायण के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे। उत्तर फाल्गुनी मतलब कर्मा का स्वामी। पिता से बना करके, बड़े लोगों से बना करके, अधिकारियों से बना करके समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। तीन पॉइंट मैंने आपको दिया। भाइयों से बना कर रखिए, चित्रा नक्षत्र में सफलता मिलेगी। माता से बना कर रखिए, माता तुल्य लोगों से बना कर रखिए, पंच माताओं का आशीर्वाद लेते रहिए, सब कुछ राधे राधे होगा। पिता या पिता तुल्य लोगों से बना कर रखिए, हर तरह का लाभ होगा। अगर इनसे नहीं बनाओगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी, लिखित रख लीजिए। केतु राहु महाराज आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचमस्थ राहु आपके बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण कर देगा, मतलब परेशानी आने वाली है। उस परेशानी को आने के पहले आप भांप लेंगे, समझ लेंगे कि यहाँ से परेशानी आ रही है। मस्तिष्क आपके इतना प्रबल होगा, राहु क्या है, राहु को पता चल जाता है ये देवता हमारे साथ छल कर रहे हैं, अमृत अमृत देंगे नहीं, जाकर लाइन में बैठ के अमृत पी लेता है। उसके बाद काटते रहो, उसके बाद चक्र से काटते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमने अमृत पी लिया। तो राहु उस चीज़ों को, उन चीज़ों को बताएगा। राहु स्टार्टिंग में कहाँ चल रहा है, रेवती नक्षत्र में चल रहा है। रेवती क्या है, समृद्धि का नक्षत्र है, तो समृद्धि की ओर बढ़ाएगा। तो भाई स्टार्टिंग के चार दूनी आठ माह, आठ माह वो समृद्धि की ओर आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये शनि के नक्षत्र में जाएंगे, शनि महाराज के नक्षत्र में जाएंगे तो शनिवत हो जाएंगे। वैसे भी राहु शनिवत होता है, तो शनि क्या है, आपके सुख के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है। तो सुख की चीज़ों को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, भूमि वन वाहन का लाभ देंगे। और मजे की बात क्या है ना कि यहीं पे शनि महाराज भी, अब शनि महाराज को देखें तो शनि महाराज अक्टूबर में स्टार्टिंग में, अभी नए साल के स्टार्टिंग में सतविशा नक्षत्र में होंगे, सॉरी 2023 में 24 नवंबर से सतविशा नक्षत्र में जाएंगे, और ये अप्रैल को फिर पूर्व भाद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर 3 अक्टूबर को सतविशा में आ जाएंगे। तो शनि भी राहु के प्रभाव में होंगे, राहु के नक्षत्र के प्रभाव में होंगे। इसलिए जब शनि राहु ये दोनों एक्सचेंज करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। मैं आपको अपने वीडियो में बताता रहा हूँ कि 2024 में सस्योग बनेगा। सस्योग बनाने के पीछे कम से कम 3 से 4 ग्रह लगिए, एक शनि, दूसरा गुरु जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तीसरा राहु और केतु का प्रभाव, सस्योग क्रिएट हो जाएगा। 3 पॉइंट तो चाहिए चाहिए। तो 2024 में सस्योग क्रिएट होने वाला है, उसकी पूर्व भूमिका यहीं बनाई जा रही है। तो राहु महाराज जब रेवती नक्षत्र में चलेंगे तो रेवती को बोलते हैं समृद्धि का नक्षत्र, समृद्धि प्राप्त होगी। अब आप देखिए अपने कुंडली में, बर्थ चार्ट में राहु किस पोजीशन में है। राहु की देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप समय के साथ ढलना जानते हैं कि नहीं। अगर समय के साथ आप अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं तो समस्त एनर्जी आपको मिलेगी। अब जो लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर चलते हैं ना, वो कोई कभी बीमार नहीं होते। आप देखो जो बहुत गरीब टाइप लोग हैं, जो रोड के किनारे काम करते हैं, इनके बच्चे या ये लोग बीमार नहीं होते। मच्छर भी काटेंगे, मलेरिया डेंगू सब काटते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को प्रकृति के साथ साथ रहते एडजस्ट कर लेते हैं, ठंडी गर्मी सब कुछ वहीं। हम मध्यम वर्गीय लोग कूलर के बिना सो नहीं पाते। हमसे जो थोड़े हाई फाई लोग हैं वो एसी में रहते हैं, उनके बच्चे एसी से निकले नहीं कि बीमार हुए नहीं, एसी के बिना उनको नींद नहीं आती। तो आप अगर प्रकृति से तालमेल बैठा कर चल रहे हैं तो प्रकृति फिर आपका संवर्धन करती है, प्रकृति आपका पोषण करती है, प्रकृति आपको मजबूत बनाती है। तो राहु क्या है, समय के साथ चलने वाला ग्रह है। तो राहु आप अपने कुंडली में चेक करिए, आप अपने घर में चेक करिए, राहु को आप ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपका बाथरूम बहुत गंदा रहता है, बाथरूम को गंदा छोड़ने की आदत है, आप फटे पुराने जूता रखने की आदत है, पैर को गंदे रखने की आदत है, ठीक है ना, अंडर गारमेंट्स फटे हुए पहनने की आदत है, ये सारी चीज़ें खराब कर देंगे राहु को। ससुराल से संबंध खराब करके रखते हैं, गरीबों को दुत्कारते रहते हैं, कुत्तों को बेवजह पत्थर लेके मारते रहते हैं, ठीक, गरीबों का मजाक उड़ाते रहते हैं। तो ये जान लीजिए कि आप राहु को ख़राब करें। राहु जिसको मारे फिर उसको कौन तारे। तो आप अपने बर्थ चार्ट में चेक करिए राहु किस कंडीशन में है। राहु को ठीक करने के लिए आदिशक्ति भगवती की आराधना करिए, माँ सरस्वती की आराधना करिए, राहु ठीक होगा। मेरे हिसाब से भाई 18 माह आपके लिए श्रेष्ठ अवसर है, क्योंकि राहु महाराज रेवती नक्षत्र में, धनदायक नक्षत्र में, समृद्धि के नक्षत्र में चलेंगे, पैसा देने की स्थिति में है, आपकी विद्या बुद्धि या तर्क शक्ति से आपका विकास होगा। राहु देंगे कैसे, देखो राहु जो है ना ऑनलाइन है, राहु हवा है, राहु आकाश है। तो राहु ऑनलाइन बिजनेस में आपको सफलता देंगे। इस टाइम आप यूट्यूब में जाना चाहते हैं, कोई चैनल खोलना चाहते हैं, खोलिए ना, ज्ञानप्रद चैनल बढ़िया चलेगा। ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं, दीजिए। राहु के पंचम भाव में गोचरी स्थिति 1 मई 2024 तक सावधानी के साथ चलिएगा। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो गर्भ की हानि हो सकती है, इसलिए प्लीज़
ध्यान से चलिएगा। और सरस्वती माता की आराधना करिए, आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करिए। हमारे हिसाब से 2024 में जो सस्योग बनने वाला है उसकी पूर्व भूमिका राहु केतु बना रहे हैं। अगर इनकी एनर्जी आप कनेक्ट करके रखे तो राहु आपके कुंडली में इसलिए महत्वपूर्ण है कि राहु आपके संघर्ष में है, राहु आपके कर्मा में है, राहु आपके धन के घर में है। केतु महाराज की अगर बात करें, सॉरी, केतु महाराज आपके संघर्ष में है, केतु आपके कर्म में है और केतु आपके धन भाव में है। इसलिए केतु लाभ के घर में चलते हुए इन तीनों ग्रहों को मजबूत करेंगे, नौकरी को ठीक करेंगे, पैसा लाएंगे, संघर्ष को खत्म करेंगे। राहु महाराज की बात करें तो राहु महाराज आपके कुंडली में आयु के घर में है, ससुराल में है। राहु महाराज उसके बाद आपके व्यय के घर में है और राहु महाराज आपके कुंडली में सुख के घर में है। पॉइंट ये आता है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है, राहु आपको मुक्त कर सकते हैं। अब बोलेंगे राहु और मुक्ति मतलब समझ में नहीं आया। देखो भाई, अगर कुंडली को डिटेल में आप देखें, एकदम ऐसे नज़र से देखें तो कोई बात नहीं है। अगर आप कुंडली के अंदर जाएं तो आपके राशि में केतु और राहु के बिना आपको मुक्ति मिलेगी नहीं मिल सकती। कारण बताऊं, आपके प्रथम मुक्ति में राहु के सत्विशा नक्षत्र है, द्वितीय मुक्ति में राहु का आर्द्रा नक्षत्र है और अंतिम मुक्ति में राहु का स्वाति नक्षत्र काटेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए राहु को ठीक करना बेहतर परिणाम देगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए, हम और हमारी आप टीम आपके लिए